पूरे देश के साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में भी गणतंत्र दिवस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने देश और प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। डिप्टी सीएम ने देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को और शहीदों को नमन भी किया है। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा है कि इन्हीं बलिदानियों की वजह से आज ही के दिन 1950 में देश को संविधान के तहत संचालित करने का हमें मौका मिला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य परेड में शामिल जवानों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम अपने गणतंत्र को और मजबूत करेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व में 5वें पायदान पर है, लेकिन जल्द ही यह विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने पुलिस लाइन के विकास के लिए 1 करोड़ की धनराशि देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से पुलिस लाइन का विस्तार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 75वां गणतंत्र दिवस है देश के लिए, तो पहला गणतंत्र भी, लेकिन 75वां गणतंत्र जिसे हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाने का काम कर रहे हैं। आज प्रयागराज की पुलिस लाइन, जो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है, और यहाँ भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ, शानदार परेड हुई, यहाँ के जवानों ने अच्छा परिश्रम किया। अब बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ जिम्नास्ट आदि भी आए हुए हैं, लेकिन मैं आज के दिन सभी प्रयाग और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। डिप्टी सीएम ने कहा है कि 2024 लोकतंत्र के महापर्व का भी वर्ष है। इस वर्ष लोकसभा चुनाव आयोजित होंगे। उन्होंने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है, चाहे चंद्रयान 3 और आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजने की बात रही हो। 2024 लोकतंत्र के महापर्व का वर्ष भी है, लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। प्रयाग वालों से भी, प्रदेश वालों से भी, इस लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देश गरीबी से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। देश की जो ज़रूरतें हैं वह धीरे धीरे लोगों की मांग के अनुरूप पूरा करने का काम किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी बनने की ओर अग्रसर है। आज हमारा देश, चाहे चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचाने का हो, चाहे आदित्य L1 हो। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम हुआ है। अयोध्या में रामलला के विराजने का उत्सव पूरे देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश और दुनिया का माहौल राममय हो रहा है। 2024 प्रभु श्री रामलला का वर्ष है, जबकि 2025 का वर्ष महाकुंभ का वर्ष है। उन्होंने कहा है कि 2019 के दिव्य और भव्य कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 के महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालु देश और दुनिया से संगम की धरती पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि इससे धार्मिक पर्यटन और रोजगार के भी नए अवसर बढ़ेंगे। बीते हुए 22 जनवरी को जैसे भगवान श्री रामलला को उनके जन्म स्थान पर विराजमान और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, फिर भक्तों का सैलाब, और अयोध्या धाम में ही यह भक्ति का स्वरूप देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि यह पूरे देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है कि पूरा देश और दुनिया राममय हो गया है। और प्रयाग में भी बहुत अच्छा काम किया। मैंने लोगों का आह्वान किया है कि 2024 श्री राम वर्ष के रूप में रामलला के आने का है, तो 2025 प्रयागराज के कुंभ का वर्ष है। 2019 में यहाँ 24 करोड़ लोग आए थे, 2025 में मेरा पूरा विश्वास है कि 50 करोड़ से अधिक लोग आएंगे। और जिस प्रकार से अयोध्या और काशी में भक्तों का सैलाब उमड़ा है, वह प्रयाग भी आएगा। रोजगार के क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं रोजगार के अवसर पैदा करेंगी, और यह धार्मिक पर्यटन भारत को एक नए मुकाम की ओर ले जाएगा। आज प्रयागराज भी ऐसा जिला हो गया है जहाँ रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग, चारों रास्ते खुल गए। ये हमारे लिए गर्व की बात है, और विकास के लिए देश और प्रदेश की सरकार का खजाना खुला हुआ है। हमारी सरकार
काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे प्रयागराज हो, प्रदेश के सभी 75 जिलों का सर्वांगीण विकास कर रही है। प्रयागराज का धार्मिक पर्यटन देश को नए मुकाम की ओर ले जाएगा। प्रयागराज रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग और जल मार्ग से जुड़ गया है। ये गर्व की बात है। प्रयागराज और प्रदेश के विकास के लिए केंद्र प्रदेश सरकार का खजाना खुल गया है। प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज सहित सभी शहरों का विकास कर रही है। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे रिपोर्ट को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा है कि जिस तरह से राम भक्तों को भरोसा था, उसी तरह से शिव भक्तों का भी भरोसा है कि उनके साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट के फैसले का हम लोग इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि इस समय सिर्फ हर हर महादेव ही कह सकते हैं। जैसे राम भक्तों का भरोसा था, वैसे शिव भक्तों का भी भरोसा है कि न्याय होगा और न्यायालय जो निर्णय देगा उसका हम लोग इंतजार करेंगे। इस समय हर हर महादेव ही कह सकते हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा और डीसीपी सिटी दीपक भूक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा कुछ अन्य पुलिस कर्मियों को भी उनके सराहनीय सेवाओं के लिए डिप्टी सीएम ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। द्वितीय कमान प्रथम स्थान बीएससी की टोली, दूसरा स्थान नारी शक्ति को जा रहा है। सर प्लीज दक्ष में खड़े हैं लोग एकदम। उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा सर प्लीज सेवा पदक प्राप्त हुआ है। आप इधर देखिए जी, मुख्य आरक्षी संजय कुमार, मुख्य आरक्षी आपको भी गृह मंत्रालय